यहाँ पर गोपियां स्मरण करती हैं भगवान श्री कृष्ण का, विफल हो जाती हैं, एक एक पल के लिए भी उनको दूर करना नहीं चाहती है, बहुत बहुत याद आती है भगवान श्री कृष्ण की। और गोपियां इतनी ज्यादा प्रेम में भर जाती हैं कि जब वो अपने दूध दही के मटके अपने सिर पे उठा करके नंद गांव में वितरण करने के लिए जाती हैं, तो उनके मुख से अलग अलग प्रकार से गोविंद के नामों का उच्चारण होता है, जिन्हें कई आचार्यों ने अपने अष्टकों या फिर अपनी कविताओं में इसको व्याख्यान किया है। कहते हैं, विक्रे तु कामा अखिल गोप कन्या मुरारी पदर्पिता चेत वृत्ति दध्याधिकम मोहवश दवोचद गोविंद दा मोदर माधवेति। विक्रे तु कामा अखिल गोप कन्या, जितनी भी गोप बालाएं थी, गोप कन्या थी, इन्होंने विक्रेत मतलब कि इनके मन को कृष्ण ने खरीद लिया है, हर वक्त इनका मन कृष्ण के नामों का स्मरण करता है। मुरारी पाद अर्पित चित्त वृत्ति, इनकी जो चित्त वृत्ति है जैसे एटीट्यूड कहते हैं, इनका चित्त सदा कृष्ण के पदार विंदों में लगा रहता है। दध्या अधिकम, और जब अपने दधि आदि के मटके लेकर के जाती है, मोह वशाद वोचद अपने मोह में होकर के बोलना चाहिए दही ले लो माखन ले लो, और कहती क्या है गोविंद ले लो दामोदर ले लो, और इसको कहा गया गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। हे यादव हे मुरारे हे सखेती गोविंद दामोदर माधवेती। सदा गोविंद का नाम स्मरण करने का भाव लेकर हमें इस नंद गांव में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा भाव जो रखेंगे उन्हें ही साक्षात घर बैठे नंद बाबा के नंद गांव के दर्शन हो सकते हैं। विशेष रूप से लोग टिकट आदि लेकर के जाते हैं, कार लेकर के चलो धाम का दर्शन करके आएंगे। हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, आप लोग तो खाली अपने आंखों की कसरत कर रहे हो, सही में अगर आप व्रज को देखना चाहते हो तो व्रज को भक्तों की कथा के माध्यम से श्रवण करके कानों के द्वारा ही देखा जा सकता है।